नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सोच रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आई। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी कुछ दिन पहले मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा सब कुछ उथल पुथल हुआ और अभी मैं हूँ यहाँ पुलिस बटालियन महिला बस्सी में। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि 6 तारीख की रिपोर्टिंग हमारी बस्सी में थी। उससे 2 दिन पहले जो मेरी सभी वीडियोस में और वो शख्स जिसने मेरा हर कदम पे साथ दिया, वो मेरे खेमे भैया, वो हमें छोड़कर चले गए। कुछ मतलब ऐसे कारण थे जो दिल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि जो डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके अनुसार उनके सांस की नली में थोड़ा खाना फंस गया, सिर्फ उसी से उनकी डेथ हो गई और ऑन द स्पॉट ही वो वहाँ पर कुछ ज़्यादा देर नहीं जी पाए, सांस भी नहीं ले पाए वो, और डेथ हो गई थी उनकी 3 तारीख को। और 6 तारीख को हमारा प्लान था ट्रेनिंग में आने का पुलिस बटालियन महिला बस्सी में, मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो दोस्तों, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश थी कि हाँ, अब पुलिस डिपार्टमेंट में मैं जा रही हूँ। तो लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस खुशी के साथ मेरे साथ इतना बड़ा दुख भी मेरे साथ ही जाएगा। उसके बावजूद भी अब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी एक फैमिली यूट्यूब पर भी बनी हुई है, तो उन्होंने भी, बहुत से लोगों ने भी मेरे को मैसेज किया, फ़ोन किया, मेरे स्पेशली मेरे सर ने कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू रहें प्लीज़। तो मैंने हिम्मत बंधाई और कि चलो, हो सकता है साथ किसी का हमारे साथ कितना है, जितना भी है, हमें उस समय को अच्छे से जी लेना चाहिए। और खेमबिया ने मेरा हर चीज़ में साथ दिया, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर आगे चलना है। वो चाहते थे कि आप बहुत अच्छा करें आगे अपनी लाइफ में, तो वो मैं करूँगी डेफिनेटली। तो इसके बाद देखो, लाइफ में हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो हम हिम्मत के साथ आगे बढ़े या फिर टूट जाए, वहीं पर रुक जाए। तो मैंने अपने साथ दूसरा ऑप्शन लिया कि हिम्मत करके आगे चलते हैं, क्योंकि लाइफ का वैसे भी कुछ पता नहीं है, कब कौन कहाँ हमें छोड़ के चला जाए या हम कब किसको कहाँ छोड़ के चले जाए, इसका पहले से कोई प्रिडिक्शन नहीं होता। तो हम इस यूट्यूब चैनल को भी कंटिन्यू रखेंगे और जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको भी कंटिन्यू, मेरे घर के लिए, खेमबिया के घर के लिए, और उनके जो भी सपने थे मेरे भाई के, वो सारे पूरे करेंगे। तो दोस्तों, 12 तारीख से हमारी ज्वाइनिंग ड्रो में होगी, पीटीसी ड्रो में। इस बार हमारा सभी का बैच जा रहा है, तो आपसे मिलेंगे इस सफ़र में भी, और ज़िंदगी का सफ़र यूं ही जारी रहेगा। लेकिन जो भी है, हम आगे बढ़ेंगे। फोर्स में हूँ अब तो, अब हम एक जवान हैं और जवान के पास ज़्यादा इमोशंस होने सही बात भी नहीं है कि वो अपने घर वालों के लिए रोए या किसी के भी लिए रोए। उसका धर्म है कि वो सबकी सेवा करे, हर चीज़ में आगे रहे। तो मैं भी इसी मार्ग पर चल रही हूँ, क्योंकि ये वक्त मेरे लिए टूटने का नहीं है कि मैं टूट जाऊँ तो फिर मैं ना अपना घर देख सकती हूँ, ना अपनी नौकरी, नौकरी भी फोर्स की। तो इसको फिर से एक बार रास्ते में लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आएगी और हम बहुत आगे जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को, क्योंकि इस संसार में हम जो कुछ भी है, सभी आत्मा ही हैं, बिंदु स्वरूप, कभी भी आएंगे, कभी भी चले जाएंगे। हाँ, जो दोस्त
यार जो भी आपको जीवन में साथ देने वाले इंसान मिलते हैं उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती है, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो खुद हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो बस उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती है। तो अब मिलेंगे आपको 12 तारीख को ज्वाइनिंग के दिन, तब तक के लिए बाय।